कठुआ के जिला प्रशासन की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान छेड़ा गया है, लेकिन इसकी आड़ में कई गरीबों पर भी अत्याचार हो रहा है। ऐसा ही एक मामला जिले के पुराना नगरी अड्डा में सामने आया, जहां नगर परिषद की टीम ने एक गरीब की रेड़ी तोड़ दी। नगर परिषद की टीम को आधा दे के व्यक्ति अपनी रेड़ी हटा रहा था, वो जा रहा था, लेकिन नगर परिषद की टीम ने फल सब्जी से लदी उसकी रेड़ी पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उसकी रेड़ी भी टूट गई और सारा सामान भी बर्बाद हो गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई के विरोध में क्षेत्रीय लोग भी एकत्रित हो गए थे और उनका कहना था कि जब रेड़ी वाला जा रहा था तो उसकी रेड़ी क्यों तोड़ी गई। रेड़ी वाले के समर्थन में काफी लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने नगर परिषद की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। बुलडोजर के आगे लेटकर रोते बिखलाते इस व्यक्ति का वीडियो कुछ ही देर में काफी वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद नगर परिषद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए रेड़ी वाले के नुकसान की भरपाई करने का भी दावा किया है। नगर परिषद ने भविष्य में किसी गरीब पर अत्याचार न हो इसके लिए टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए जी, जो कल का वाक्या है जी, जो जब मेरे पास से वीडियो पहुंची और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि ये तो ठीक है कि हम चाहते हैं कि शहर को मतलब इंक्रोचमेंट फ्री बनाना, मगर इसमें हमारे ड्राइवर से गलती हो गई है, तो इसके लिए ड्राइवर की एक्सप्लेनेशन निकाल दी है। और रही बात जो रेडी वाला है, उनके साथ उनके फादर साहब को अभी हमने उनको कंपनसेट कर दिया है और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमने कर दी है। और हमें बहुत दुख हुआ कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ड्राइवर ने जो गलती कर दी है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है और उसको आगे के लिए डायरेक्शनें भी दी हैं कि ऐसी कोई आगे के लिए हरकत नहीं होनी चाहिए।